किस साइड पे? स्नेक इधर पे नहीं, उस तरफ चलो, उस तरफ। अभी रेस्क्यू लोकेशन पर आ गए हम लोग, अभी चेक करते हैं कौन सा स्नेक है। पेड़ के ऊपर है स्नेक, देखते हैं अभी आगे चल के। शाम को हमें एक रेस्क्यू कॉल आया, लोगों ने बताया कि उनके घर के सामने एक पेड़ के ऊपर बहुत लंबा सांप चढ़ चुका है। रेस्क्यू की लोकेशन हमारे घर से बहुत दूर थी, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत अंधेरा हो चुका था, एंड अब हमें ये रेस्क्यू अंधेरे में ही करना था। तब नहीं देखा था। तब अच्छा, किस पेड़ पे? ये इधर वाला जो है, ये एक तो ये जो डेंस है काफी, इससे पानी भरा उसमें, तो नीचे पूरे में पानी है। वो तो है स्नेक का, इधर तो वाइट रेस्क्यू है। कितना बड़ा होगा? लगभग 5-6 फीट का। घोड़ा पछाड़ है कौन सा है? किसी ने घोड़ा पछाड़ ही है ना? ठीक, घोड़ा पछाड़ चढ़ता है। हाँ नहीं, दूसरे सांप भी चढ़ जाते हैं, कोबरा भी चढ़ जाता है। उधर से निकला तो बहुत बड़ा सा था, अलग क्रीम कलर का था, बहुत लंबा था, 6-7 फुट का था। फिर वो यहाँ आया, फिर उसने मतलब शिकार करने का सोचा, थोड़े बहुत छोटे छोटे पंछी थे उनका शिकार करने का उसने सोचा। फिर वो बाद में बहुत रफ्तार से ना इसके ऊपर चढ़ गया, फिर इसके नीचे उतरा ही नहीं। फिर वो इसी पे था, इसी पेड़ इसी पेड़ पे उतरा ही नहीं। जिस तरीके स्नेक का डिस्क्रिप्शन ये लोग दे रहे थे, उस हिसाब से एक रेड स्नेक होना चाहिए था। रेड स्नेक नॉन वेनमस स्नेक होता है, एंड कई बार वो खाने की तलाश में इस तरह के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, एंड ये स्नेक भी डेफिनेटली इसी तरह से ऊपर चढ़ा होगा। इधर जा सकते हैं? हाँ चलिए। ये उतरने की लोकेशन है। बार बार इधर उधर हो रहा था, एक ही जगह पे था। अभी तो थम के बैठा उधर ही, इन दोनों पेड़ पे उधर वाले। अच्छा दिख नहीं रहा है ना वही घोड़ा पछाड़ हो सकता है, पर आप कह रहे हो कोज कोबरा के बारे में, उसका पता नहीं। बाकी है सी पेड़ पे, मैंने उसको मटकते ऊपर देखा था। ठीक भाई, लास्ट टाइम अपन ने कितनी देर हो गई होगी अंदाजन? अभी मैंने अभी तो देखा, आध घंटे पहले देखा, ऊपर ही है वो। मतलब इस पेड़ पे दिखा था? इस पे नहीं, बाबू के पेड़ पे, कोरे पे, वहां। हां मैंने खुद ने देखा मटक। रेड स्नेक ये क्रीम कलर है ना, रेड स्नेक का ही है वो। नीचे जाते तो दिखता थोड़ा बहुत। यहाँ तो व्हाइट ब्रेस्टेड वॉटर है बैठी, तो यहाँ तो नहीं आया। एक बर्ड बैठा हुआ है तो इस पेड़ पे तो नहीं आया। नहीं आगे पर तो उस पेड़ के लास्ट ऊपर कोने पे मैंने देखा। ये स्नेक रेस्क्यू थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि लास्ट टाइम जिस पेड़ के ऊपर उन्होंने उस स्नेक को देखा था, उस पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, एंड उस पानी में उतरना पॉसिबल नहीं था। बट स्टिल स्नेक को स्पॉट करने के लिए लाभ एक बाउंड्री के सहारे उस पेड़ तक गया। वो तो पानी भरा, तुम जाओ, जूते सब खराब होंगे। नहीं ऊपर ऊपर जैसा कुछ नहीं, लेकिन पकड़ेंगे कैसे? जाले भले ऊपर ऊपर चले जाए, सांप ऊपर बैठा हो तो आप कैसे निकालोगे बबूल के पेड़ से? नहीं निकलेगा ना, मैं बबूल के पेड़ से निकल ही नहीं सकता। काटे है ना उस पर, उस पर चढ़ना भी ऑप्शन नहीं है। सांप को आप गिरा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर चढ़ गया ना तो तत्काल गिर के भाग जाएगा। हाँ नहीं, वो एक बार स्पॉटिंग हो जाए तो फिर अपन कुछ देखे, पहले दिखे तो सही कहाँ पर है स्नेक। वो यहाँ से दिखेगा नहीं, जैसे उस कोने पे लास्ट में है वो। उस कोने पे ये पेड़ के लास्ट कोने पे है वो। एक तो प्लॉट पूरा भर चुका है। हाँ तो बहुत इम्पॉसिबल है। यहाँ से भी नहीं दिख रहा है तो घोड़ा पछाड़ तो फुर्तीला होता है, वो तो अपन ऊपर चढ़ेंगे कौन की भाग जाएगा। भाग जाएगा वो, वही वो तो क्लियर है ये बात। नहीं इधर तो है ही नहीं है, इधर तो आप देखो ही मत। नहीं नहीं, बार बार इधर ही आ रहा था ना, वो उधर वाले पे आ रहा था, पीछे वाले पे उधर आ रहा था, उसी पेड़ पे लास्ट में कोने पे मैंने देखा है। चलो उस साइड से देखते हैं कुछ स्पॉटिंग हो, फिर देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो करेंगे। वो मोटरसाइकिल है ना, वहाँ से देखा था वो इधर हल्के, फिर भाई तो मैं चला, मैं जी जी हल जा जा रहा जा रहा, तो फिर वो थम गया, फिर उसके बाद देखा भी नहीं, इतने अंधेरा हो गया। नहीं वो दूसरे जा रहे क्या, वो उधर जाने की जगह नहीं है ना, पानी भरा है वही। अगर देख सकता है तो आप सुधर इस कोने पे देखेगा, देखेगा नहीं तो वो चढ़ गया।
बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी किसी भी पेड़ के ऊपर वो सांप नहीं दिख रहा था, जिसका मतलब था कि अब लाभ को पानी में उतरना पड़ेगा। एंड जैसे ही लाभ पानी में उतरता है तभी उसके साथ ये हुआ। कैकड़ गिल बैग, कैकड़ गिल बैग मिला। हाँ ये छोटा है, छोटू कैकड़ गिल बैग है ये बोल रहे हैं, ये छोटा है, ये दूसरा है। अच्छा ये वाला स्नेक नहीं है ना, इससे बड़ा है। अच्छा ठीक है, चलो दूसरा तो पकड़ा हुआ। आसपास अंडे दिए इसने। अच्छा इसने अंडे दिए। कोई रेड स्नेक तो हमें इस लोकेशन पे नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे हमें पानी के अंदर एक चेकर्ड कील बैग मिल गया। चेकर्ड कील बैग भी नॉन वेनमस स्नेक होता है एंड पानी के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसकी हालत को देखने पर हमें साफ समझ आ रहा था कि इसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ये भी फुल साइज है अंडे देने के लिए। कैप्रो ये भी बिना जहर वाला पानी वाला सांप है, इंग्लिश में चेकर्ड कील बैग बोलते हैं। कुछ नहीं करेगा वो, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं वैसे ये स्नेक, काटते बहुत ज़्यादा है। ये ग्रीन कलर का स्नेक है, इसमें ब्लैक कलर के चेक्स बने हुए हैं, बिना जहर वाला ये भी। पानी वाला नहीं है ये, पानी वाला, इसको पनियल बोलते हैं अपने इधर, पनियारा पनियल। अभी हम लोग यहाँ पे एक रेड स्नेक को रेस्क्यू करने आए हुए थे जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था जैसा भैया ने बताया, बट वहाँ रेड स्नेक तो नहीं दिखा। मैं वहाँ नीचे चल रहा था तब पैर पे एक चेकर्ड गिल बैग आ गया। इसकी थोड़ी कंडीशन डाउन है, मतलब इसने अभी एक्स वगैरह ले करे हुए आसपास कहीं पे। वो करना है यहीं छोड़ना है? नहीं नहीं नहीं, अरे यहाँ जाके छोड़ना। अच्छा ठीक है ठीक है, इसको पैक करो। ये पतला हो चुका है, ये अंडे देते हैं ना जब कुछ खाते नहीं है दो तीन महीने तक, इस वजह से पूरा वीक हो गया है। वो आपको ऐसा लग रहा है ये वही है, हरे कलर का है। अभी रात हो गई ना, थोड़ा समझ नहीं आ रहा आपको। जल्दी से इसको काटता है क्या? बहुत काटता है ये, सबसे ज़्यादा काटता है। इंडिया का सबसे ज़्यादा गुस्सेल सांप यही है। नॉन वेनमस नॉन पॉइजन। वेनम एंड पॉइजन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेनम को वर्क करने के लिए आपके खून में मिलना होता है, जबकि पॉइजन को वर्क करने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना रहता है। जो ये स्नेक था चेकर्ड कील बैग, ना ही ये वेनमस है ना ही पॉइजनस। और कोई भी सांप काटता है तो सरकारी अस्पताल में इलाज है, प्राइवेट में नहीं है, गवर्नमेंट में ही आपका ट्रीटमेंट होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अंडे छोड़ देते हैं, अंडों के पास नहीं जाते। जो बच्चे निकलेंगे वो भी बिना जहर के, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पानी भरा हुआ, इसमें पड़े रहेंगे सांप। पचार काटता नहीं है, नहीं अपन से दूर ही रहेगा। बड़ा पचार एकदम ऊपर पैर से घूम के भाग जाता है, अपन से दूर ही रहेगा। कलर से अपन सांप नहीं बोलते। मैं आपको बताऊँ, क्रीम कलर का होगा। आपने अगर उसका फेस देखा हो, फेस पतला होगा, बॉडी मोटी हो गई होगी, फिर टेल पतली। मुंह पे यहाँ नीचे ब्लैक कलर की लाइंस जाएंगी, क्योंकि कोबरा प्रेफर नहीं करेगा पानी को इस टाइम पे। और पेड़ पे वही चढ़ते हैं। ठीक है, ये लग गई, काट लिया, लगी है, ये ब्लड आ गया। हम लोग अभी चेकर्ड को रिलीज करने आ गए लोकेशन पर। ये थोड़ा कमज़ोर है चेकर्ड किल पर, इसे रात को रेस्क्यू करा था, रात को वेदर थोड़ा ठीक नहीं था, अभी वेदर सही है तो इसको जल्दी से हम रिलीज कर देंगे। टंकी हटा के देखेंगे आप। तो अभी ये टंकी के नीचे बोल रहे स्नेक देखा था उन्होंने थोड़ी देर पहले, तो अभी दिखा तो नहीं मेरे को उसके नीचे, टंकी हटा के देखते हैं, अगर होगा तो दिख जाएगा। लगभग 30 मिनट पहले कुछ लोगों ने इस टंकी के नीचे एक सांप को जाते हुए देखा था, तो चांसेस थोड़े कम थे कि सांप इस टंकी के नीचे हो, क्योंकि 30 मिनट बीत चुके थे। लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस था एंड टंकी में अभी पानी भरा हुआ था, जिस वजह से टंकी के नीचे के एरिया में टेम्परेचर थोड़ा लो होगा, तो हो सकता है इस टंकी के नीचे की नमी की वजह से सांप उसमें जाके छिप गया हो। बहुत है यहाँ जहरीले भी। देखना दादा भाई, नहीं पलटवाना, दो मिनट आगे पलटवाना, ये उठवा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्नेक को रेस्क्यू करने के लिए हमें इस टंकी को हटाना था, लेकिन वहीं पर यह बहुत रिस्की भी था, क्योंकि अगर इस टंकी के नीचे कोई वेनमस स्नेक जैसे कि रसल वाइपर हुआ तो वो टंकी के हटाते ही हमें बाइट कर सकता था, लेकिन हमारे पास इस टंकी को हटाना ही एकमात्र ऑप्शन था। काटेगा 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 काटेगा
तो काट रहा निकाल लूँ एक रेड स्नेक था जिसे घोड़ा पचाड़ और धामन सांप भी बोला जाता है एक नॉन वेनमस स्नेक है तो इसके काटने पर भी किसी की मौत नहीं होगी बाइट नहीं बैग खोलो यार दो मिनट हम तो देखते हैं दुकान के बाहर हो जाए दौड़ लगा दे तो होगी नहीं ठीक है नहीं मरवाना नहीं करने को बिना जहरीला था घोड़ा पछाड़ इसको बोलते धामण